नमस्कार, मैं डॉक्टर मीरा पाल यूपी राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में खाद्य एवं पोषण विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं बताने के लिए यहाँ आपको, वो है दैनिक जीवन में हमारी पोषक आवश्यकताएं क्या हैं, पोषक आवश्यकताओं को हम किस प्रकार से लें कि वो हमारे शरीर की सारी गतिविधियों को, सारी ज़रूरतों को वो पूरा करता रहे और हमारे शरीर की जो वृद्धि एवं विकास है सामान्य रूप से वो होती रहे। वृद्धि एवं विकास के लिए ना ही सिर्फ हमें एक भोजन की आवश्यकता है बल्कि उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता है जो कि एक बैलेंस फॉर्म में प्रेजेंट हों। अब बैलेंस फॉर्म में प्रेजेंट हों इसके लिए ये आवश्यक है कि जब हम खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, खाद्य पदार्थों को खाने के लिए हमारी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस को रिकमेंड किया है सभी भारतीयों के लिए, उनके बारे में आज हम आपको यहाँ बताएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भोजन 6 पोषक तत्वों से मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, खनिज लवण, विटामिन्स और एक अति आवश्यक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जिसको हम जल के नाम से जानते हैं। ये 6 पोषक तत्व से मिलकर भोजन संपूर्ण रूप लेता है। अब किस पोषक तत्व की हमारे जीवन में कितनी आवश्यकता है वो हम RDA के माध्यम से जानते हैं। RDA की एक चार्ट जो कि NIN ने भारतीयों के लिए प्रस्तुत किया है, उसके माध्यम से हमें किस पोषक तत्व की आवश्यकता किस वर्ग के व्यक्ति की, यानी कि वो महिला है, वो पुरुष है, वो बालक है, वो बालिका है, या उसकी उम्र 50 से ऊपर है, उसकी उम्र 50 के अंदर है, उसकी उम्र 20 से कम की है, उसकी उम्र 10 वर्ष से कम की है, या उसकी उम्र 5 वर्ष से कम की है, हर आयु वर्ग के लोगों के लिए NIN और ICMR ने मिलकर सभी भारतीयों के लिए डाइटरी अलाउंसेस को रिकमेंड किया है। अब हम आपको इस कड़ी में आगे दिखाएंगे कि डाइटरी अलाउंसेस को किस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में भोजन के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये इंडियंस के लिए जो 2020 में RDA को रिवाइज्ड किया गया है NIN और ICMR के माध्यम से, वो इस प्रकार से कुछ टेबुलेशन फॉर्म में दिया गया है। इसको हमने विभिन्न एज ग्रुप के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया है इस टेबल में, जिसमें एज ग्रुप और कैटेगरी, बॉडी वेट और जितने हमारे पोषक तत्व हैं इन सब को यहाँ पर लिखा गया है और उनके माध्यम से ये बताया गया है टेबल के फॉर्म में कि कितनी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता किस बॉडी वेट और किस एज ग्रुप के और किस ग्रुप के व्यक्तियों को आवश्यक है। यहाँ पर ये कैटेगरी ऑफ वर्क दिया हो गया है जिसमें सेडेंट्री, मॉडरेट और हैवी वर्क का है। अब ये पुरुषों के लिए यानी मेन के लिए जो कैटेगरी डिवाइड की गई है उसमें सेडेंट्री भी वो हो सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं और हैवी भी हो सकते हैं। मतलब कि जो सेडेंट्री वर्कर होते हैं वो हमारे सिटिंग जॉब में जो होते हैं उनको सेडेंट्री वर्कर की कैटेगरी में रखा जाता है। मॉडरेट वर्कर वो होते हैं जो कि सिटिंग जॉब में तो रहते हैं लेकिन वो मानसिक और शारीरिक कार्य सेडेंट्री वर्कर की अपेक्षा ज़्यादा करते हैं। और हैवी वर्कर उन कैटेगरी में आते हैं जो कि शारीरिक रूप से कार्य करने में दक्ष होते हैं और शारीरिक कार्यों को करते हैं, जिनका आइडियल बॉडी वेट यहाँ पर 65 दिया हुआ होता है। यदि किसी व्यक्ति का आइडियल वेट 65 है और वो सेडेंट्री हो सकता है या मॉडरेट वर्कर हो सकता है या हैवी वर्कर हो सकता है, उसको प्रतिदिन 54 ग्राम पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है और साथ ही कार्बोहाइड्रेट 130 ग्राम पर डे की आवश्यकता होती है, कैल्शियम की आवश्यकता 1000 mg पर डे की होती है, वहीं पर मैग्नीशियम 385 मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता होती है, आयरन की आवश्यकता 19 मिलीग्राम पर डे होती है जबकि जिंक की आवश्यकता यहाँ पर 17 मिलीग्राम पर डे होती है, आयोडीन की आवश्यकता 150 माइक्रोग्राम पर डे की होती है और थायमीन, जो कि ये तीनों ग्रुप में अलग अलग होता है जिसमें सेडेंट्री वर्कर होता है वो 1.4 मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता होती है और जो मॉडरेट वर्कर होते हैं उनके लिए 1.8 निर्धारित की गई है और 2.3 मिलीग्राम पर डे थायमीन की आवश्यकता हैवी वर्कर के लिए निर्धारित की गई है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि राइबोफ्लेविन की आवश्यकता जो प्रतिदिन मिलीग्राम के रूप में हमारे शरीर
के लिए आवश्यक होता है। उसमें सेडेंट्री वर्कर को 2.0 मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता होती है, साथ ही मॉडरेट वर्कर को 2.5 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है और हैवी वर्कर को 3.2 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन की प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। वहीं पर नियासिन की आवश्यकता जो मिलीग्राम पर डे है वो सेडेंट्री वर्कर के लिए 14 मिलीग्राम पर डे है, मॉडरेट वर्कर के लिए 18 मिलीग्राम पर डे है और 23 मिलीग्राम पर डे हैवी वर्कर के लिए होती है। विटामिन B6 की आवश्यकता 1.9 मिलीग्राम पर डे होती है सेडेंट्री वर्कर के लिए और 2.4 मिलीग्राम पर डे आवश्यकता होती है विटामिन B6 की मॉडरेट वर्कर के लिए। वहीं पर 2.4 मिलीग्राम पर डे आवश्यकता होती है विटामिन B6 की हैवी वर्कर के लिए। फोलेट की आवश्यकता 300 माइक्रोग्राम पर डे होती है, जबकि विटामिन B12 की आवश्यकता 2.5 माइक्रोग्राम पर डे होती है तीनों कैटेगरी के लिए, चाहे वो सेडेंट्री हो, मॉडरेट हो या फिर हैवी वर्कर हो। अब इस प्रकार से हमने देखा कि जो पुरुषों की जो इसमें तुलना दी गई है कि कोई सेडेंट्री वर्कर भी हो सकता है, कोई मॉडरेट वर्कर भी हो सकता है, कोई हैवी वर्कर भी हो सकता है, उनके वर्क के अनुसार उनको उनकी ज़रूरतों को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को जो कि न्यूट्रिएंट के माध्यम से फुलफिल होती है, उनको इसमें कैटेगरी के हिसाब से बांट दिया गया है। यहाँ पर दिखाया गया है कि सेडेंट्री वर्कर, मॉडरेट वर्कर और हैवी वर्कर जो कि 65 केजी बॉडी वेट के हिसाब से नॉर्मल और आइडियल माने गए हैं, उनको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और आयोडीन की आवश्यकता तो सामान्य होती है जो कि तीनों ही कैटेगरी में आवश्यक होती है। वहीं पर थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन B6, फोलेट और विटामिन B12 को विभिन्न वर्गों के हिसाब से विभाजित कर दिया गया है। अब आते हैं कि हम यहाँ पे महिलाओं को किस प्रकार से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और उनको किस प्रकार से यहाँ पर उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पोषक तत्वों का विभाजन किया गया है वो यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर अब ये आप जैसा कि देख रहे हैं सेडेंट्री वर्कर जो एक फीमेल है उसके लिए और मॉडरेट वर्कर के लिए और हैवी वर्कर के लिए 55 केजी वेट को निर्धारित किया गया है और इसको आइडियल माना गया है भारतीयों के संदर्भ में। जो हमारी भारतीय क्लाइमेट है उसकी कदकाठी के हिसाब से हमारे यहाँ 55 केजी बॉडी वेट को आइडियल माना गया है महिलाओं के लिए। अब इनको प्रतिदिन जो प्रोटीन की आवश्यकता होती वो होती है 45.7 ग्राम पर डे, चाहे वो सेडेंट्री हो, मॉडरेट हो या फिर हैवी वर्कर हैं, उन दो तीनों के कैटेगरी के लिए ही 45.7 ग्राम पर डे प्रोटीन की व्यवस्था की गई है। जबकि कार्बोहाइड्रेट 130 ग्राम पर डे की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई गई है, 1000 कैल्शियम माइक्रोग्राम पर डे की, वहीं पर मैग्नीशियम 325 मिलीग्राम पर डे और आयरन 29 मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता यहाँ पर बताई गई है। जिंक 13.2 मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई गई है एवं 150 माइक्रोग्राम पर डे की आवश्यकता आयोडीन की यहाँ पर बताई जा रही है। थायमीन जो कि किसी भी सेडेंट्री, मॉडरेट और हैवी वर्कर के लिए विभाजित कर दी गई है यहाँ पर, वो थायमीन की आवश्यकता 1.4 मिलीग्राम सेडेंट्री वर्कर को प्रतिदिन आवश्यक है, वहीं पर 1.7 मिलीग्राम मॉडरेट वर्कर को आवश्यक है और 2.2 मिलीग्राम हैवी वर्कर के लिए आवश्यक है। राइबोफ्लेविन की आवश्यकता सेडेंट्री वर्कर को 1.9, मॉडरेट वर्कर को 2.4 एवं हैवी वर्कर को 3.1 यहाँ पर दर्शाई गई है। इसी प्रकार से नियासिन की आवश्यकता 11 मॉडरेट सेडेंट्री वर्कर के लिए मिलीग्राम पर डे और 14 मिलीग्राम पर डे मॉडरेट वर्कर के लिए और 18 मिलीग्राम पर डे हैवी वर्कर के लिए बताई गई है। अब हम यहाँ पर आते हैं विटामिन B6 और फोलेट और विटामिन B12 के लिए। विटामिन B6 की आवश्यकता सेडेंट्री वर्कर जो कि एक फीमेल है उसको 1.9 मिलीग्राम पर डे बताई गई है, 1.9 मिलीग्राम पर डे विटामिन B6 मॉडरेट वर्कर के लिए और 2.4 मिलीग्राम पर डे विटामिन B6 हैवी वर्कर जो कि फीमेल है उसके लिए बताई गई है। फोलेट की आवश्यकता प्रतिदिन
220 माइक्रोग्राम और विटामिन B12 की आवश्यकता 2.5 माइक्रोग्राम पर डे बताई गई है यहाँ पर। अब जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि फीमेल ग्रुप को भी इन्होंने जो है सेडेंट्री वर्कर, मॉडरेट वर्कर और हैवी वर्कर में विभाजित कर दिया गया है, जिसमें कि बॉडी वेट के अनुसार प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, आयोडीन को एक ही लेवल पर रखा है तीनों कैटेगरी के महिलाओं के लिए। ये तीनों कैटेगरी की महिलाएं इन बराबर के जो यहाँ पर चार्ट में दर्शाया गया है इन न्यूट्रिएंट्स की मात्रा एक समान होती है, जबकि थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन B6 की मात्रा को कैटेगरी के हिसाब से विभाजित कर दिया गया है कि सेडेंट्री वर्कर को कम आवश्यकता होगी, मॉडरेट वर्कर को अधिक आवश्यकता होगी और हैवी वर्कर को उससे ज़्यादा अधिक आवश्यकता होगी। वहीं पर फोलेट और विटामिन B12 को एक बराबर दिखाया गया है कि इन तीनों कैटेगरी की वर्कर्स को फोलेट और विटामिन B12 की आवश्यकता एक समान रूप में होती है। लेकिन यहाँ पर एक सामान्य तरीके से हमने देखा कि मेन और वुमेन में एक जो सामान्य रूप से न्यूट्रिएंट्स का विभाजन किया गया है उनकी ज़रूरतों को देखते हुए वो तो यहाँ पर दर्शाया गया है, पर क्योंकि फीमेल्स में एक स्पेशल ओकेजन भी आता है, जैसे कि वो अगर प्रेग्नेंट वुमेन है या वो लैक्टेशन के पीरियड में है और लैक्टेशन का पीरियड 0 से 6 मंथ का है या फिर लैक्टेशन का पीरियड 7 से 12 मंथ का है, उस समय उनको कितनी आवश्यकता होती है सारे पोषक तत्वों की उनको यहाँ पर अलग से स्पेसिफाई किया गया है। यहाँ पर अब ये वुमेन की ही कैटेगरी में ये बताया गया है कि यदि वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसका जो आइडियल बॉडी वेट जो कि सामान्य परिस्थिति में होता है वो 55 माना गया है, उसमें 10 kg ऑफ बॉडी वेट की बढ़ोतरी होना संभावित होती है। 10 से 15 या 12 kg बॉडी वेट का गेन होना एक सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है। अब उस समय यहाँ पर ये विशेष तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यदि प्रेग्नेंट वुमेन जिसका बॉडी वेट 55 से 65 या 70 के नियर अबाउट आ चुका है, अब उसको हमको कितनी उसको पोषक तत्वों को पूरा देना है और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो ताकि वो अपने आने वाले शिशु के लिए भी पूरी तरीके से पोषक तत्व उसको मिलता रहे और वो विकसित होता रहे। यहाँ पर प्रोटीन की मात्रा बताई गई है कि इसमें जैसे कि हमने नॉर्मल जब कंडीशन होती है तो 45.7 ग्राम पर डे के हिसाब से प्रोटीन दी गई है, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट वुमेन होती है और उसका सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा होता है तो वहाँ पर +9.5 ग्राम पर डे प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। वहीं पर अगर थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा होता है तो 22.0 ग्राम पर डे प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है, जिस माध्यम से हम उनको डाइट के में शामिल कर रहे थे प्रोटीन, उसी माध्यम से हम उनकी डाइट में इसको और बढ़ाएंगे ताकि ये रिच प्रोटीन उनकी बॉडी में जा सके। वहीं पर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 130 से बढ़कर 175 हो जाती है और कैल्शियम की मात्रा बराबर रहती है, 1000 मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता एक प्रेग्नेंट वुमेन को भी पड़ती है। 385 ग्राम जो कि पहले से 325 मिलीग्राम से बढ़कर 385 मिलीग्राम हो जाती है, ये मैग्नीशियम की आवश्यकता पड़ती है। 29 से बढ़कर 40 मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता आयरन की पड़ती है और 13.2 से 14.5 मिलीग्राम की आवश्यकता जिंक की पड़ती है। वहीं पर आयोडीन की आवश्यकता जो सामान्य स्थिति में महिला 150 माइक्रोग्राम पर डे ले रही थी उसकी आवश्यकता 150 से बढ़कर 250 माइक्रोग्राम पर डे हो जाती है। यहाँ पर थायमीन की आवश्यकता, ऐसी कंडीशन में थायमीन की आवश्यकता पीछे ऊपर की कैटेगरी से बढ़कर ये 2.0 हो जाती है। वहीं पर राइबोफ्लेविन की आवश्यकता 2.7 हो जाती है और नियासिन की आवश्यकता 2.5 बढ़ जाती है नॉर्मल कंडीशन की अपेक्षा। 2.3 मिलीग्राम विटामिन B6 की आवश्यकता होती है, 570 माइक्रोग्राम फोलेट की आवश्यकता होती है, वहीं पर +0.2 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की आवश्यकता बढ़ जाती है। ये तो हमने देखा कि सामान्य प्रक्रिया जब सामान्य अवस्था में महिला होती है तो 55 की अपेक्षा हमारा +10 यानी 10 kg बॉडी वेट बढ़ जाता है। उसी हिसाब से हमारी जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन की ज़रूरतें होती हैं
वो भी नॉर्मल परिस्थिति के हिसाब से बढ़ जाती हैं। अब यदि वुमेन प्रेगनेंसी के बाद अगर वो लैक्टेशन के फेज़ में आती है, तो लैक्टेशन के फेज़ में अगर वो 0 से 6 मंथ की लैक्टेटिंग वुमेन है, तो उस कंडीशन में उसकी बॉडी वेट का घट भी सकता है, जो 10 kg पहले से प्रेगनेंसी के समय बढ़ा हुआ था, और वो उसी उतना ही रिटेन भी कर सकता है। पर जब वहाँ पर प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वो +16.9 प्रोटीन की आवश्यकता 16.9 ग्राम पर डे के हिसाब से बढ़ जाती है। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर लैक्टेशन के समय 9.5 सेकेंड सेमेस्टर में और 22.0 ग्राम पर डे प्रोटीन थर्ड सेमेस्टर में आवश्यक है, वहीं पर ये फर्स्ट यानी कि 0 to 6 मंथ जो लैक्टेशन का पीरियड होता है, उसमें 16.9 ग्राम पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और यदि वो 7 से 12 मंथ की लैक्टेटिंग वुमेन है, तो उसको प्रोटीन की आवश्यकता 13.2 ग्राम पर डे होती है। वहीं पर कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता 175 ग्राम, जो कि प्रेगनेंसी के समय आवश्यकता थी, उसकी अपेक्षा 200 ग्राम 0 to 6 मंथ की लैक्टेटिंग वुमेन के लिए और 7 to 12 मंथ की लैक्टेटिंग वुमेन दोनों के लिए 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की पर डे की आवश्यकता होती है। अब हम आते हैं कैल्शियम की। यहाँ पर क्योंकि लैक्टेटिंग वुमेन फीड करा रही होती है और उसका कैल्शियम जो कि फीड के माध्यम से बच्चे में जा रहा होता है, वो उसकी डेवलपमेंट और के लिए बहुत आवश्यक होता है, वहाँ पर हमें कैल्शियम की आवश्यकता 1000 से बढ़ाकर 1200 या 1200 कर दी जाती है। यहाँ पर मैग्नीशियम की आवश्यकता पहले नॉर्मल कंडीशन की अपेक्षा घट जाती है, जो कि 325 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से होती है। 23 मिलीग्राम पर डे आयरन की आवश्यकता होती है, जो कि नॉर्मल सामान्य प्रक्रिया की अपेक्षा जब प्रेग्नेंट रहती है वुमेन तो 40 रहती है। जिंक की आवश्यकता 14 मिलीग्राम पर डे होती है, जबकि 280 माइक्रोग्राम पर डे आयोडीन की आवश्यकता एक लैक्टेटिंग वुमेन की होती है, चाहे वो 0 to 6 मंथ की लैक्टेटिंग वुमेन हो या फिर 7 to 12 मंथ की लैक्टेटिंग वुमेन हो। अब आते हैं थायमीन पर। थायमीन की आवश्यकता 2.1 मिलीग्राम पर डे दोनों ही कंडीशन में होती है, यानी कि 0 to 12 मंथ की लैक्टेटिंग वुमेन को 2.1 मिलीग्राम पर डे थायमीन की आवश्यकता होती है। वहीं पर राइबोफ्लेविन की आवश्यकता 3.0 0 to 6 मंथ की लैक्टेटिंग वुमेन को आवश्यक होती है, जबकि 2.9 मिलीग्राम पर डे राइबोफ्लेविन की आवश्यकता 7 to 12 मंथ की लैक्टेटिंग वुमेन को होती है। नियासिन की आवश्यकता +5 हो जाती है, जो कि इससे पहले प्रेगनेंसी के समय 2.5 थी, उसमें +5 हो जाती है, और ये 0 to 12 मंथ की लैक्टेटिंग वुमेन को सामान्य रूप से आवश्यक होता है। विटामिन B6 की आवश्यकता 0 to 6 मंथ की लैक्टेटिंग वुमेन को 0.26 मिलीग्राम पर डे और 0.17 मिलीग्राम पर डे आवश्यक होती है। फोलेट की आवश्यकता 330 माइक्रोग्राम पर डे और की आवश्यकता लैक्टेटिंग वुमेन जो कि 0 to 12 मंथ की है दोनों को ही पड़ती है। वहीं पर B12 की आवश्यकता +1.0 माइक्रोग्राम पर डे की होती है। अब हम आते हैं कि यहाँ पर इन्फेंट्स पर, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि मेन जो कि सेडेंट्री वर्कर हैं या मॉडरेट वर्कर हैं या हैवी वर्कर हैं, उन सब की कैटेगरी के हिसाब से, उनके आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से उनको कितने न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है वो हम यहाँ पर बता चुके हैं। उसी प्रकार से सामान्य प्रक्रिया में यदि फीमेल होती है सामान्य रूप से, तो उनके कितना बॉडी वेट उनका होना चाहिए और उनको कितने न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता प्रतिदिन होनी चाहिए वो भी हम यहाँ बता चुके हैं। हम यहाँ प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग दोनों का चार्ट इनसे जब तुलना करते हैं, तो तुलना में हम ये देखते हैं कि प्रेगनेंसी से भी ज़्यादा 0 to 6 मंथ की लैक्टेटिंग वुमेन को न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। अब हम यहाँ पर आते हैं इन्फेंट्स पर। 0 to 6 मंथ के जो इन्फेंट्स होते हैं उनकी क्या आवश्यकता होती है, उनको किसी भी हम कैटेगरी में विभाजित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि वो किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो उनकी कोई कैटेगरी यहाँ पर नहीं दिखाई जाती है। यहाँ पर सिर्फ 0 to 6 मंथ और 6 मंथ to 12 मंथ की कैटेगरी ही है, जिनका बॉडी वेट सामान्य रूप से 0 to 6 मंथ पर
5.8 या 6 केजी होनी चाहिए, और जबकि 6.12 मंथ का जो बेबी होता है उसकी वेट 8.5 केजी होना चाहिए। ये एक सामान्य भारतीयों के लिए ये तालिका दी गई है। बच्चों का वेट कभी कभी इनसे ज़्यादा भी होता है और कुछ बच्चों का इनसे कम भी होता है, पर जो एक सामान्य इंडियंस के लिए जो आरडीए का चार्ट तैयार किया गया है वो यही होता है। अब यहाँ पर प्रोटीन की आवश्यकता 8.1 ग्राम पर डे होती है और 0 to 6 मंथ के बच्चों के लिए, जबकि 6 से 12 मंथ के बच्चों के लिए 10.5 ग्राम पर डे प्रोटीन आवश्यक होता है। कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता 55 ग्राम पर डे इन्फेंट्स के लिए, जो कि 0 to 6 मंथ के होते हैं, और 6 से 12 मंथ के इन्फेंट्स के लिए 95 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट आवश्यक होता है। कैल्शियम की आवश्यकता 300 मिलीग्राम दोनों के लिए ही आवश्यक है। वहीं पर मैग्नीशियम की आवश्यकता 30 मिलीग्राम 0 to 6 मंथ के इन्फेंट के लिए और 75 मिलीग्राम 6 to 12 मंथ के इन्फेंट्स के लिए होती है। आयरन की आवश्यकता 0 to 6 मंथ के बच्चों के लिए अभी इस तालिका में नहीं दी गई, क्योंकि उनको इस वक्त आवश्यक नहीं होता है और उनका जो दूध को संपूर्ण आहार माना गया है उस आहार के माध्यम से जो उनकी इनकी आवश्यकताएं होती हैं पोषक तत्वों की, वो पोषक तत्व दूध के माध्यम से उनको भरपूर मात्रा में मिलते रहते हैं। अब 6 to 12 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनको आयरन 3 मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता होती है। वहीं पर जिंक की आवश्यकता 2.5 मिलीग्राम पर डे 6 to 12 मंथ के इन्फेंट्स को होती है। 130 माइक्रोग्राम पर डे आयोडीन की आवश्यकता होती है 6 to 12 मंथ के इन्फेंट्स के लिए, और 100 माइक्रोग्राम पर डे आयोडीन की आवश्यकता होती है 0 to 6 मंथ के इन्फेंट्स के लिए। थायमीन की आवश्यकता 0.2 मिलीग्राम पर डे 0 से 6 मंथ के इन्फेंट्स के लिए होती है। वहीं पर 0.4 मिलीग्राम पर डे थायमीन की आवश्यकता 6 to 12 मंथ के इन्फेंट्स के लिए होती है। 0.4 मिलीग्राम पर डे राइबोफ्लेविन की आवश्यकता 0 से 6 मंथ के बच्चों के लिए होती है। वहीं पर 0.6 मिलीग्राम पर डे राइबोफ्लेविन की आवश्यकता 6 to 12 मंथ के इन्फेंट्स के लिए होती है। नियासिन की आवश्यकता 0 to 6 मंथ के बच्चों के लिए 2 मिलीग्राम पर डे होती है। वहीं पर 5 मिलीग्राम पर डे नियासिन की आवश्यकता 6 to 12 मंथ के इन्फेंट्स के लिए होती है। 0.1 मिलीग्राम पर डे विटामिन B6 की आवश्यकता 0 to 6 मंथ के बच्चों के लिए होती है। वहीं पर 0.6 मिलीग्राम विटामिन B6 की आवश्यकता 6 to 12 मंथ के इन्फेंट्स के लिए होती है। फोलेट की आवश्यकता 25 माइक्रोग्राम पर डे 0 to 6 मंथ के इन्फेंट के लिए होती है, और 85 माइक्रोग्राम पर डे फोलेट की आवश्यकता 6 to 12 मंथ के इन्फेंट्स के लिए होती है। वहीं पर 1.2 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन B12 की आवश्यकता 0 to 12 मंथ के इन्फेंट्स के लिए होती है। जब इन्फेंट्स 0 से 12 मंथ की अपनी एज पूरी कर लेते हैं उसके बाद वो 1 से 3 ईयर्स के चिल्ड्रेन के ग्रुप में आ जाते हैं, और 1 से 3 ईयर के चिल्ड्रेन या टॉडलर्स के ग्रुप में उनको किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो यहाँ पर हम आपको बताएंगे। 1 से 3 साल के बच्चों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता यहाँ पर 11.3, 4 से 6 साल के बच्चों के लिए 15.9, और 7 से 9 साल के बच्चों के लिए 23.3 ग्राम पर डे की व्यवस्था यहाँ पर बताई गई है। इसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट की जो प्रतिदिन की आवश्यकता 1 से 3 साल के बच्चे से लेकर 9 साल के बच्चों के लिए 130 ग्राम पर डे निर्धारित की गई है, जबकि 1 से 3 साल के बच्चों को कैल्शियम की आवश्यकता 500 मिलीग्राम पर डे बताई गई है, एवं 4 से 6 साल के बच्चों के लिए 550 मिलीग्राम पर डे, और 7 से 9 साल के बच्चों के लिए 650 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम की आवश्यकता बताई गई है। मैग्नीशियम की आवश्यकता 1 से 3 साल के बच्चों की 135 मिलीग्राम पर डे, और 4 से 6 साल के बच्चों की 155 मिलीग्राम पर डे,
सात से नौ साल के बच्चों की 215 मिलीग्राम पर डे निर्धारित की गई है। इसी प्रकार से आयरन की आवश्यकता 8 मिलीग्राम पर डे एक से तीन साल के बच्चों के लिए, चार से छः साल के बच्चों के लिए 11 मिलीग्राम पर डे और सात से नौ साल के बच्चों के मिलीग्राम पर डे आवश्यकता निर्धारित की गई है आयरन की। इसी प्रकार जिंक की आवश्यकता जो प्रतिदिन एक से तीन साल के बच्चों को होती वो है 3.0 निर्धारित की गई है, चार से छः साल के बच्चों की 4.5 मिलीग्राम पर डे निर्धारित करी गई है एवं सेवन से नाइन ईयर्स के बच्चों के लिए 5.9 मिलीग्राम पर डे जिंक को रिक्वायर्ड बताया गया है। एक से तीन साल के बच्चों की आयोडीन की जो ज़रूरत है वो 90 माइक्रोग्राम पर डे बताई गई है, जबकि चार से छः साल के बच्चों की 120 माइक्रोग्राम पर डे बताई गई है और सात से नौ साल के बच्चों की भी 120 माइक्रोग्राम पर डे आयोडीन की आवश्यकता बताई गई है। थायमीन की आवश्यकता 0.7 मिलीग्राम पर डे एक से तीन साल के बच्चों के लिए, चार से छः साल के बच्चों के लिए 0.9 मिलीग्राम पर डे और सात से नौ साल के बच्चों के लिए 1.1 मिलीग्राम पर डे निर्धारित की गई है। यहाँ पर राइबोफ्लेविन नियासिन की भी आवश्यकता को एक से तीन साल के बच्चे के लिए 0.9 मिलीग्राम पर डे, फोर से सिक्स ईयर्स के बच्चों के लिए 1.3 मिलीग्राम पर डे और सात से नौ साल के बच्चों के लिए 1.6 मिलीग्राम पर डे राइबोफ्लेविन की आवश्यकता को निर्धारित किया गया है। नियासिन की आवश्यकता एक से तीन साल के बच्चों में 7 मिलीग्राम पर डे, एक चार से छः साल के बच्चों में 9 मिलीग्राम पर डे, सात से नौ साल के बच्चों में 11 मिलीग्राम पर डे निर्धारित की गई है। वहीं पर विटामिन B6 की आवश्यकता 0.9 मिलीग्राम पर डे एक से तीन वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, चार से छः वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 1.2 मिलीग्राम पर डे और 1.5 मिलीग्राम पर डे विटामिन B6 की आवश्यकता सात से नौ साल के बच्चों के लिए निर्धारित की गई है। फोलेट की जो आवश्यकता है प्रतिदिन की बच्चों की वो एक से तीन साल के बच्चों की 110 माइक्रोग्राम पर डे, चार से छः साल के बच्चों की 135 माइक्रोग्राम पर डे, सात से नौ साल के बच्चों की 170 माइक्रोग्राम पर डे निर्धारित की गई है। वहीं पर विटामिन B12 की आवश्यकता जो प्रतिदिन बच्चों को पड़ती है वो एक से छः साल के बच्चों की 1.2 माइक्रोग्राम पर डे होती है और सात से नौ साल के बच्चों की 2.5 माइक्रोग्राम पर डे निर्धारित की गई है। बच्चों को यहाँ पर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है उनकी उम्र के हिसाब से। बॉयज़ को 10 से 12 साल की उम्र में, गर्ल्स को 10 से 12 साल की उम्र में, बॉयज़ और गर्ल्स को 13 से 15 साल की उम्र में और बॉयज़ और गर्ल्स को 16 से 18 साल की उम्र में उनकी न्यूट्रिशन की आवश्यकताओं को यहाँ पर किस तरीके से दिखाया गया है ये देखिए। यहाँ बॉडी वेट जो उनका आइडियल इस उम्र में होना चाहिए, यानी कि 10 से 12 साल का अगर लड़का है तो उसका आइडियल बॉडी वेट 34.9 केजी होना चाहिए, जबकि वहीं पर लड़कियों की बॉडी वेट यहां पर 36.4 होनी चाहिए जो कि लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा है, और वहीं पर 31.8 ग्राम पर डे प्रोटीन की आवश्यकता बॉयज़ को है जबकि 32.8 ग्राम पर डे प्रोटीन की आवश्यकता गर्ल्स को दिखाई गई है। 130 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में बताई गई है, जबकि 850 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम की आवश्यकता बॉयज़ और गर्ल्स जो कि 10 से 12 साल की उम्र में हैं दोनों के लिए निर्धारित की गई है। 10 से 12 साल की आयु के जो बॉयज़ हैं उनके लिए 270 मिलीग्राम पर डे मैग्नीशियम की आवश्यकता और गर्ल्स के लिए 255 मिलीग्राम की आवश्यकता को निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार से 16 मिलीग्राम पर डे आयरन की आवश्यकता से 12 साल के लड़कों के लिए और 28 मिलीग्राम पर डे आयरन की आवश्यकता गर्ल्स जो कि 10 से 12 साल की उम्र में है निर्धारित की गई है। 8.5 मिलीग्राम जिंक और 150 माइक्रोग्राम पर डे आयोडीन की आवश्यकता 10 से 12 साल के बॉयज़ और गर्ल्स को बताई गई है। वहीं पर 1.5 मिलीग्राम पर डे थायमीन
बॉयज के लिए और 1.4 मिलीग्राम थायमिन गर्ल्स के लिए निर्धारित की गई है। राइबोफ्लेविन 2.1 मिलीग्राम पर डे बॉयज के लिए और 1.9 मिलीग्राम पर डे गर्ल्स के लिए इस चार्ट में बताया गया है। नियासिन की आवश्यकता 15 मिलीग्राम पर डे बॉयज़ के लिए एंड 14 मिलीग्राम पर डे फॉर गर्ल्स के लिए यहाँ पर निर्धारित किया गया है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। विटामिन B6 की आवश्यकता 2.0 बॉयज़ के लिए और 1.9 मिलीग्राम पर डे गर्ल्स के लिए निर्धारित की गई है। 220 माइक्रोग्राम फोलेट की आवश्यकता बॉयज़ को बताई गई है, जबकि 225 माइक्रोग्राम की आवश्यकता गर्ल्स को बताई गई है। 2.5 माइक्रोग्राम की विटामिन B12 की आवश्यकता गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को बताई गई है। 13 से 15 वर्ष की आयु के बॉयज़ और गर्ल्स की पोषक तत्वों की आवश्यकता को इस प्रकार से बताया गया है। बॉयज़ का जो आइडियल बॉडी वेट रिकमेंड किया गया है वो 50.5 kg होना चाहिए, जबकि गर्ल्स का 49.6 kg निर्धारित किया गया है। वहीं पर प्रोटीन की आवश्यकता बॉयज़ को 13 से 15 वर्ष की उम्र में 44.9 ग्राम पर डे आवश्यक है और 43.2 ग्राम पर डे है प्रोटीन की आवश्यकता है प्रोटीन की गर्ल्स के लिए। 130 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट, 1000 माइक्रोग्राम पर डे कैल्शियम की आवश्यकता बॉयज़ और गर्ल्स जो कि 13 से 15 वर्ष की आयु में हैं दोनों को ही सामान्य है। मैग्नीशियम की आवश्यकता 13 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में 355 मिलीग्राम पर डे होती है, जबकि 325 मिलीग्राम पर डे मैग्नीशियम की आवश्यकता लड़कियों के लिए निर्धारित की गई है। 22 मिलीग्राम पर डे आयरन की आवश्यकता 13 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निर्धारित की गई है, यानी लड़कों के लिए निर्धारित की गई है, जबकि लड़कियों के लिए 30 मिलीग्राम पर डे आयरन की आवश्यकता को बताया गया है। वहीं पर 14.3 मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता लड़कों को बताई गई है एवं 12.8 मिलीग्राम पर डे जिंक की आवश्यकता लड़कियों को बताई गई है। 150 माइक्रोग्राम आयोडीन जो कि प्रतिदिन आवश्यक है वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए जो कि 13 से 15 वर्ष की आयु के हैं निर्धारित की गई है। 1.9 मिलीग्राम थायमीन लड़कों के लिए एवं 1.6 मिलीग्राम थायमीन लड़कियों के लिए निर्धारित की गई है। राइबोफ्लेविन 2.7 लड़कों के लिए एवं 2.2 मिलीग्राम पर डे लड़कियों के लिए बताई गई है। 19 मिलीग्राम लड़कों के लिए एवं 16 मिलीग्राम पर डे लड़कों के लिए नियासिन की आवश्यकता बताई गई है। विटामिन B6 की आवश्यकता 2.6 मिलीग्राम पर डे लड़कों के लिए निर्धारित की गई है, जबकि लड़कियों के लिए 2.2 मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता बताई गई है। फोलेट की आवश्यकता 285 माइक्रोग्राम पर डे बताई गई है लड़कों के लिए, वहीं पर 245 माइक्रोग्राम पर डे लड़कियों के लिए निर्धारित की गई है। 2.5 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन B12 की आवश्यकता लड़के और लड़कियों दोनों के लिए निर्धारित की गई है। 16 से 18 ईयर्स के जो बॉयज़ होते हैं उनका आइडियल बॉडी वेट 64.4 kg बताया गया है, जबकि लड़कियों का आइडियल बॉडी वेट 55.7 kg निर्धारित किया गया है। ये हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में बताया जा रहा है। 16 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चे यानी लड़कों को प्रोटीन की प्रतिदिन आवश्यकता 55.4 बताई गई है, जबकि लड़कियों को 46.2 ग्राम पर डे बताई जाती है। 130 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट एवं 1050 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे की आवश्यकता 16 से 18 वर्ष की
लड़के और लड़कियों दोनों के लिए निर्धारित की गई है। मैग्नीशियम की आवश्यकता 405 मिलीग्राम पर डे लड़कों के लिए एवं 335 मिलीग्राम मैग्नीशियम की आवश्यकता प्रतिदिन लड़कियों के लिए निर्धारित की गई है। 26 मिलीग्राम पर डे आयरन की आवश्यकता लड़कों के लिए एवं 32 मिलीग्राम पर डे आयरन की आवश्यकता लड़कियों के लिए इस टेबल के माध्यम से बताया गया है। 17.6 मिलीग्राम पर डे जिंक की आवश्यकता लड़कों के लिए एवं 14.2 मिलीग्राम जिंक की आवश्यकता प्रतिदिन गर्ल्स को होती है। 150 माइक्रोग्राम प्रतिदिन आयोडीन की आवश्यकता लड़के और लड़कियों जो कि 16 से 18 वर्ष की उम्र में हैं दोनों के लिए है। थायमीन की आवश्यकता 2.2 मिलीग्राम प्रतिदिन लड़कों को होती है जबकि 1.7 मिलीग्राम प्रतिदिन थायमीन की आवश्यकता लड़कियों को होती है। राइबोफ्लेविन की आवश्यकता जो कि निर्धारित की गई है भारतीयों के लिए वो 3.1 मिलीग्राम प्रतिदिन 16 से 18 वर्ष की उम्र के लड़कों के लिए एवं 2.3 मिलीग्राम प्रतिदिन राइबोफ्लेविन की आवश्यकता 16 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए निर्धारित की गई है। नियासिन की आवश्यकता 22 मिलीग्राम प्रतिदिन लड़कों के लिए एवं 17 मिलीग्राम पर प्रतिदिन नियासिन की आवश्यकता लड़कियों के लिए बताई गई है। 3.0 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन B6 की आवश्यकता 16 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निर्धारित की गई है। वहीं पर 2.3 मिलीग्राम विटामिन B6 की आवश्यकता प्रतिदिन गर्ल्स के लिए जो कि 16 से 18 वर्ष की हैं निर्धारित की गई है। 340 माइक्रोग्राम प्रतिदिन फोलेट की आवश्यकता लड़कों के लिए निर्धारित की गई है। वहीं पर 270 माइक्रोग्राम प्रतिदिन फोलेट की आवश्यकता 16 से 18 वर्ष की उम्र की बालिकाओं के लिए निर्धारित किया गया है। 2.5 माइक्रोग्राम प्रतिदिन विटामिन B12 की आवश्यकता इन दोनों ही ग्रुप के लिए निर्धारित की गई है। इस प्रकार से हमने इस टेबल के माध्यम से ये समझा कि ICMR और NIN के माध्यम से जो ये रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस भारतीयों के लिए निर्धारित किया गया है उनके माध्यम से हमें सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता प्रतिदिन कितनी होती है कि हम उसको एक संतुलित थाली के रूप में अपने पास रख सकें और एक संतुलित थाली के रूप में उसको हम ग्रहण कर सकें जिससे उस संतुलित भोजन के माध्यम से हमें सारी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं जो प्रतिदिन होती हैं वो पूरी हो सके और हमारा जीवन स्वस्थ रह सके। धन्यवाद।